अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना पर चीन की चालबाजी। दुनिया को अंधेरे में रहकर अपनी तैयारी करता है, निर्यात घटाकर आयात बढ़ाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस से पूरा दुनिया परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए देश में 17 मई तक का लॉकडाउन चल रहा है, भारत में भी। दोस्तों अमेरिका में आयात निर्यात का आंकड़ा निकाला गया है और बताया है कि कैसे चीन ये निर्यात घटा दिया है और आयात बढ़ा दिया ताकि उसके पास सब कुछ पहले से जमा हो जाए। अमेरिका यह कह रहा है कि चीन को पता था कि कोविड-19 की वजह से स्थिति विकराल होने जा रही है, लेकिन उसने दुनिया को नहीं बताया और अपनी तैयारी करता रहा। दुनिया को अंधेरे में रखकर आकलन में कहा गया है कि चीन कोरोना वायरस की गंभीरता को कम करके बताया रहा और इसके दौरान उसने चिकित्सीय आपूर्तियों को आयात बढ़ा दिया जबकि निर्यात को घटा दिया। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन लगातार चीन को आलोचना कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रविवार को कहा है कि बीमारी के प्रसार के लिए चीन जिम्मेदार है और इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के पैमाने और बीमारी के अति संक्रामक होने की बात इसलिए छुपा के रखी ताकि वह इसे निपटने के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने लगभग पूरी जनवरी विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह सूचना नहीं दी कि कोरोना वायरस संक्रामक है ताकि वह विदेशों के चिकित्सा सामग्री मंगा सके और इस दौरान फेक मास्क, सर्जिकल ग्राउंड और दस्तावेजों का उसका आयात तेजी से बढ़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये परिणाम 95% संभावना पर आधारित है कि आयात एक निर्यात नीति में चीन के बदलाव सामान्य नहीं थे। खुफिया दस्तावेजों में यह जानकारी सामने आई है कि एजेंसी को मिले गृह सुरक्षा मंत्रालय के 4 पन्नों वाले दस्तावेज के मुताबिक चीन के नेताओं ने जनवरी की शुरुआत में दुनिया से वैश्विक महामारी की गंभीरता जानबूझकर छिपाई। इन दस्तावेजों पर 1 मई की तारीख डाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे अपनी आलोचना को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए चीन पर दोष मढ़ रहे हैं, जो एक भू राजनीतिक दुश्मन तो है लेकिन अमेरिका का अहम व्यापारिक साझेदार भी है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइए। कोरोना वायरस तो बढ़ती ही जा रही है, आप सभी अपने अपने घरों में रहिए, सीख रहिए। रमजान शरीफ का पाठ नहीं चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। अल्लाह के बारे में तला से दुआ कीजिए कि अल्लाह के बारे में तला इस मुसीबत से हम सभी को छुटकारा दे और दुआ में याद रखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।